सोशल मीडिया पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट करने का मामला गर्माता जा रहा है। शनिवार को हापुड़ कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, जिन्होंने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की और हापुड़ कोतवाली पहुंचकर पुलिस को मामले से अवगत कराया। पुलिस ने मामले में निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। फेसबुक पोस्ट के माध्यम से एक वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिसमें कल प्रियंका गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर में महंगाई के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। उस वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके उसे फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर अलग अलग जगह वायरल किया गया है। इससे कांग्रेस जनों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है, बहुत आहत हुए हैं। उसी को लेकर आज समस्त शहर के कांग्रेस जन कोतवाली में इकट्ठा हुए और यहाँ पर उस फेसबुक पोस्ट पर, उस ग्रुप के एडमिन पर मुकदमा दर्ज करने की एक प्रार्थना पत्र दिया गया है कि पुलिस उस फेसबुक पोस्ट पर, जिसने भी वो फेसबुक पोस्ट डाली है, उस पर उचित वैधानिक कार्रवाई करे। कांग्रेसियों का कहना है कि शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर उसका ऑडियो बदल कर फेसबुक पर लगातार शेयर किया जा रहा है, जिससे कांग्रेसियों की भावना को ठेस पहुंची है। कांग्रेसियों ने हापुड़ कोतवाली में इकट्ठा होकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभिषेक गोयल, अंकित शर्मा, नरेश भाटी, जसपाल सिंह तोमर, गौरव गर्ग आदि उपस्थित रहे। बोलते हो बोलते हो बोलते हैं ना।